अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि अल्लाह के फजल और करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। तो आजकल अजवा अपनी नानों के घर गई हुई है, तो उसके कुछ क्लिप मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं ज़रा इनको सबको इकट्ठा करूं और उनको जो देखते हैं। मैंने ये घर की सफाई कर रही थी तो अजवा भी बाहर आ गई और वो मचल रही थी पानी में जो भीगने के लिए। तो फिर मैंने सारी सफाई सुथराई करके उसको पानी के साथ छोड़ दिया और उसने पानी के साथ बहुत इंजॉय किया। और जब ये खेलती है ऐसे खुश होती है तो हम इसको देख देख के घर में खुश होते हैं। अजवा गई हुई है तो हमारे घर में अब बिल्कुल भी इतनी रौनक नहीं है। फैसल बार बार कहते हैं कि चलें चल के अजवा को ले आएँ। हमने अजवा की मामा को नानों को उनको कॉल की थी, वो लोग कह रहे थे कि एक दो दिन रुक जाएं तो फिर लेने के लिए आ जाइएगा। तो जब भी मैं वीडियोस देखती हूँ तो इनको देख के फिर मेरा दिल जो है वो मचलना शुरू हो जाता है कि मैं भी इसको पकड़ूँ, इसको हग्स करूँ और इसको प्यार करूँ। तो ये हमारे घर की खूबसूरत सी रौनक है और इसकी वजह से अब ये होके गई है तो घर बहुत ज़्यादा ही ऐसे हम लोगों को सुनसान सा लग रहा है। ये घर में थी तो सारा दिन जो है इसकी कलकारियाँ, इसका रोना और इसका हंसना, इसका खेलना सब जो है वो हम बहुत मिस कर रहे हैं। अल्लाह करे कि खैर खैरियत से ये हमारी जो परी है वापस आ जाए। जैसा कि अभी तक गर्मी का मौसम चल रहा है तो मिनाहिल ने सोचा कि वो जैन और मदनी के साथ प्रैंक करेगी, उनको बुला के लाई उनके साथ प्रैंक करने के लिए। उनके ऊपर उसने बैलून्स फेंके लेकिन उनको पता चल गया कि इसके पास बैलून्स हैं, वाटर बैलून्स हैं, तो उन्होंने उल्टा उसके ऊपर फेंकना शुरू कर दिए। सारा तो नीचे गिर रहा है। इधर आओ, ये क्या कर रहे हैं? दिखाया क्या बैलून? असर के टाइम फैसल अजवा को पार्क लेके गए और उसको वहाँ खिला के लाए। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश हुई। कलरफुल सी स्लाइड्स देख के और झूले देख के, पार्क की ग्रीनरी देख के, तो माशाल्लाह से वो बहुत हैप्पी थी। अजवा के साथ घर में टाइम के गुजरने का पता ही नहीं चलता था कि कैसे दिन चढ़ा और शाम हो जाती थी। सारा दिन इसके साथ सब लोग मसरूफ रहते थे। ओह कितना पाला बच्चा है, खड़ा हो गया है। ये हमारा जैकी है, इसकी भी एक अलग ही स्टोरी है। इसको हम लोगों ने जो है रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके डालते हैं, तो इसको हम लोगों ने जो चिकन के सूप में डाल देते हैं या गोश्त का सूप जब बनाते हैं, कभी गोश्त डाल देते हैं कभी नहीं डालते, तो सूप में डाल देते हैं। तो आज पहले हमने इसको खाना सादा ही दिया तो इसने बिना ये मौसम के बाद का आम है वो नहीं खाई। तो फिर हम लोगों ने इसके ऊपर ला के गोश्त डाला तो फिर इसने खाना खाया। ये हमारे लॉन का वहाँ इकलौता मैंगो है जो कि अभी तक एंड सीज़न का लगा हुआ है। तो जब इसको ऊपर गोश्त डाला तो फिर इसने खैर से जनाब ने खाना शुरू कर दिया। हम लोग हंस रहे थे कि इसकी हरकतें जो है ना ये बहुत बिगड़ गई हैं, ये फीड वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाता, ये बस ऐसे ही घर का ही जो है फूड है वो खाता है, क्योंकि जिन लोगों से हम लोगों ने लिया है उन्होंने घर का इसको फीड पे रखा हुआ था। तो उसके बाद जी ये हमारी ताशा की हरकतें ज़रा चेक करें। इसके बच्चों की हम लोगों ने जगह चेंज की थी लेकिन इसको प्राइवेसी चाहिए थी, उसकी वजह से उसके बच्चों को मैंने एक बास्केट में रखा लेकिन इसने बच्चों को वहाँ से उठाया
और इनको एक प्राइवेट जगह पे लेगी। और अब आप देखें कि वो वन बाय वन बच्चों को उठा रही है और उनको जाके अंदर छोड़ के आ रही है। हमारे रूम है एक, वो हम लोग उसको एज अ स्टोर रूम यूज़ करते हैं, तो ये खुद भी अक्सर जो स्टोर रूम में जाके छुप जाती होती थी, और अभी ये अपने बच्चों को भी जो है लेके वहाँ जा रही है। ये दूसरे बच्चे को भी ले गई है, अभी ये आ रही है, जरा वापस आ रही है। और इसका जो बच्चा है वो मैंने पकड़ा हुआ है, तो अब ये देख रही है कि मेरा बेबी किधर है। तो ये आप देखें ज़रा उसको भी कैसे है। थक गई हो? कितना सॉफ्टली पकड़ के लेके जा रही। अजू ये फट गया ना, आपने शोर नहीं करना। आ जी देखो तो बुब्बा क्या कर रहा है, बुब्बा क्या कर रही है, सुती होती है जी। हमें काला पानी पिला रही हूँ, फिर क्या कबाब मंगा ले काला पानी। जी मैं नहीं कह रही है, सुबह कह रही है। ऑन जी जी जी, खेलो 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 खेलो। इसी के साथ ही हम लोग अपनी इस वीडियो का करते हैं जी एंड, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर भी। ओके, अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। टेक केयर, फी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़।